जय हिंद, वंदे मातरम, गुड इवनिंग। आप सभी का विजयपथ एजुकेशन की तरफ से स्वागत है। मैं आज आप सबके लिए आर्मी अग्निवीर जीडी का एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, पूरे 50 क्वेश्चन का आप सभी के लिए लेके आया हूं। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए रहेगी, जिसमें आज के प्रैक्टिस सेट में आपका टारगेट रहेगा 45+ क्वेश्चन। इसमें 45 से ज्यादा क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, तभी आपकी सिलेक्शन जो है वो इंडियन आर्मी में जो है वो होगी। क्योंकि आप सभी को पता है, अब जो आर्मी के जितने भी एग्जाम हैं, आर्मी टेक्निकल, जीडी, क्लैरिकल, ट्रेडमैन, नर्सिंग का, जितने भी आपके आर्मी के अपकमिंग एग्जाम है, अभी आपका अप्रैल में होने वाला एग्जाम है ये भी, और जितने भी आगे अपकमिंग एग्जाम है सभी ऑनलाइन होंगे। तो ऑनलाइन में जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस आपके लिए रहेगा टाइम का, क्योंकि पहली बार आर्मी का जो है वो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। और आप सभी को पता है, अभी जो आपका आर्मी अग्निवीर का पहला बैच जो भी आपका सिलेक्ट हुआ है डिफरेंट सेंटर से, या फिर जो भी हिमाचल के एआरओ हैं, पालमपुर है, हमीरपुर है, मंडी है, शिमला है, तो आप सभी जानते हैं बिल्कुल लिमिटेड से बच्चे जो हैं वो उठाए गए हैं एज कंपेयर टू जो भी हमारी पिछली भर्तियां हुई थी। तो काफी टफ कंपटीशन जो है वो होने वाला है। ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए जो है वो आप विजयपथ एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, www.vijaypatheducation.com के ऊपर आप जाएं और आर्मी अग्निवीर के जो भी आपके प्रैक्टिस सेट हैं उनको आप ले सकते हैं, जिसमें आपको पूरे के पूरे फुली सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको सैंपल पेपर या मॉक पेपर आपको जो है वो शो किए जाएंगे। साथ में आपकी रिपोर्ट जो है वो भी आपको जो आपकी रिपोर्ट आएगी, जितने आपके क्वेश्चन आंसर गलत हैं, किस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो भी आपको वहां पे दे दिया जाएगा। ऑल इंडिया रैंकिंग आपकी रहती है, किसके हाईएस्ट मार्क हैं, किसके लोएस्ट हैं, आपको पूरा का पूरा एक कंप्लीट, जिस टाइप से आपका ऑनलाइन टेस्ट रहता है पूरे उसी हिसाब से हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिजाइन की है, तो उनको आप परचेज कर सकते हैं। कोई भी आपको अगर जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप हमारा आर्मी अग्निवीर जीडी क्लर्क या टेक्निकल का ऑनलाइन बैच अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको विजयपथ एजुकेशन ऐप जो है वो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें और वहां पे कोर्सेज में आपको जाना है। कुछ इस टाइप का इंटरफेस जो है वो आपको वहां पे दिखेगा। आपको कोर्सेज में जाना है, आर्मी अग्निवीर का आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जीडी का, क्लरिकल का आप सिलेक्ट कर सकते हैं, टेक्निकल का सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो है वो लाइव क्लासेस मिलेंगी, साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट सीरीज आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, पीडीएफ्स आपको मिलेंगी और डाउट सेशन आपको मिलेंगे, और 150 से ज्यादा आपके टेस्ट सीरीज, इसमें आपके चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट रहेंगे, बाइलिंगुअल हैं आपके सारे के सारे टेस्ट, सिर्फ और सिर्फ 1199 में जीडी के लिए और क्लर्क के लिए, और टेक्निकल की हमारी फीस है 1599। तो दिए गए नंबर के ऊपर भी आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें और उससे जो है वो आप ऑनलाइन बैच हमारा परचेज कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। जल्दी से वीडियो को जो है पहले शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि बेहतरीन सेशन जो है वो आज हमारा जो है वो होने वाला है। पूरा का पूरा एक 50 क्वेश्चन का कंप्लीट सेट मैं आप सभी के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। सो जल्दी से जल्दी जो है वो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो जुड़ जाएं, वीडियो को शेयर आप जरूर करें, लाइक जरूर करें और क्वेश्चन का आंसर आप जरूर करें यहाँ पे, और लास्ट में जो है वो आप बताएं कि कितने क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पे बिल्कुल सही रहे हैं। सो सबसे पहले है हमारा जीके का पोर्शन आता है, टोटल 4 आपके पोर्शन रहते हैं, जिसमें आपका रहेगा जीके, उसके बाद है आपकी साइंस रहेगी, उसके बाद आपका रीजनिंग रहेगा और लास्ट है आपका मैथ। तो टोटल 4 पोर्शन रहते हैं, 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 60 मिनट का, 1 घंटे का जो है वो आपका एग्जाम होने वाला है। तो प्रैक्टिस के लिए आप जरूर विजयपथ एजुकेशन आप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और वहां पे आपका एक फ्री जो है वो मॉक टेस्ट आपका दिया गया है, उसके ऊपर आप जरूर प्रैक्टिस करें कि कितने मिनट में आप पूरा का पूरा एक पेपर जो है वो सॉल्व कर पा रहे हैं। वहां से आप
आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आपको जो है वो पेपर सॉल्व करना है, कौन से पोर्शन को सबसे पहले सॉल्व करना है। ऑनलाइन का सबसे अच्छा जो आपका ऑनलाइन में आपको बेनिफिट मिलेगा वो ये है कि अगर आपने गलती से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी, ये चार ऑप्शन दिए जाते हैं, कुछ इस तरीके से लिखा होगा यहाँ पे, गलती से अगर आपने किसी भी ऑप्शन को अगर टिक कर दिया, मान के चलते हैं कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर था और गलती से आपने ऑप्शन बी को टिक कर दिया, तो ऑनलाइन का सबसे बड़ा मेथड क्या है, आप उस टिक को ए के ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं। आपका ऐसा नहीं है कि आप एक बार जो टिक कर दिया वो चेंज नहीं होगा। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी इसके लिए, क्योंकि जब तक आपने कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है तो आपको वहां पे जो है आपकी तैयारी कितनी भी हो आप वहां पे पजल हो जाएंगे। तो उसके लिए जो है आप हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हैं, प्ले स्टोर के ऊपर भी आप विजयपथ एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, वहां पे आपके पास प्रैक्टिस सेट जो है वो डाले गए हैं, आपके 170 से ज्यादा आपको टेस्ट सीरीज जो है वो आपको वहां पे मिलेंगी, उससे आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। सबसे पहला प्रश्न जो है वो जीके का आपके सामने दिया गया है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था। तो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन ये आपका यहाँ पे पूछा गया है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था। तो आप सभी जानते हैं वेदों से रिलेटेड चीज यहाँ पे पूछी गई है, टोटल जो है वो हमारे पास चार वेद थे और काफी पुरानी बात जो है वो यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि वेदों के टाइम की, उस टाइम के जो लोग थे उनको आर्य कहा जाता था। तो उस टाइम का जो मुख्य भोजन था उनका वो क्या था, जिन्होंने भी यहाँ पे आंसर दूध और इसके उत्पाद दिया है वही इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो वैदिक आर्यों का जो मुख्य भोजन था वो दूध और उसके बने जितने भी उत्पाद थे, जैसे कि है मक्खन है, दही है, छाछ है, उसके बाद हमारा घी है, तो दूध से जितनी भी चीजें बनती हैं ये सभी उनके मुख्य भोजन था। अगला प्रश्न आपके पास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहां पर दिया था। तो बुद्ध ने अपना पहला जो भाषण था उनका वो किस स्थान पर दिया था, गया में दिया था। अब गया जो है ये आपका बिहार में पड़ता है, ध्यान आपको रखना है, ये आपका पड़ता है बिहार में। उसके बाद सारनाथ आपका पड़ता है यूपी में, उसके बाद है पाटलिपुत्र और है लास्ट ऑप्शन वैशाली। तो कहां पर इन्होंने पहला अपना प्रवचन दिया था, तो सारनाथ जो है वो इसका क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ अभी जुड़े हैं कमेंट करके आप अपना आंसर जरूर बताएं, क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक या दो इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जैसे कि गया कहाँ पे है, बिहार में है, सारनाथ कहाँ पे है, यूपी में है। कुछ चीजें आपको पता होंगी, कुछ आपको यहाँ पे नई चीजें सीखने को मिलेंगी और कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनसे आपकी जो है वो रेगुलर वे में, कंटिन्यू वे में आपकी जो है वो रिवीजन यहाँ पे होती रहेगी। तो बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था सारनाथ में, और अगर मैं बात करूं बुद्ध के जो जितने भी ग्रंथ थे कौन सी भाषा में लिखे गए थे, तो वो लिखे गए थे कौन सी भाषा में, पाली भाषा में। आपको ध्यान में रखना है पाली भाषा में जो है वो बुद्ध के जितने भी ग्रंथ थे वो सारे के सारे लिखे गए थे। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन, ताजमहल, लाल किला, उसके बाद कुतुब मीनार, इन सभी के क्वेश्चन जो है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, अजमेर में आपका 2.5 दिन का झोंपड़ा है, लोकेशन आपको दे दी गई है, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां पर है, अजमेर में है, तो ये किसने बनाया था। इसका जो सही आंसर है वो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया था। अब ये बनाया कैसे था, वहां पर जो है पहले क्या था, संस्कृत विद्यालय था, यह आपको ध्यान में रखना है, उसी को चेंज करके वहां पे क्या बना दिया गया, झोंपड़ा बना दिया गया। जैसे कि क्या होता है, कोई हमारा कॉलेज है ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं और उसको क्या बना दिया, यूनिवर्सिटी बना दिया। तो उस तरीके से जैसे हमारा कोई हाई स्कूल है या मिडिल स्कूल है, 10th तक कोई स्कूल है, उसको सरकार ने क्या किया, प्रमोट किया, सीनियर सेकेंडरी उसको स्कूल बना दिया, तो उसका लेवल बढ़ गया। वैसे ही 2.5 दिन का झोंपड़ा से पहले वहां पे क्या था, एक संस्कृत का विद्यालय था, संस्कृत का स्कूल था, उसी को मॉडिफाई करके अजमेर में जो है वो क्या बना दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो कि काफी प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न क्या है, यात्री इवन बतूता कहां से आया था। तो जो यात्री था इवन बतूता वो कहां से आया था, भारत में वो घूमने आया था। ऑप्शन दिए गए हैं मोरक्को,
फ्रांस, तुर्की या फिर मध्य एशिया। सभी जानते हैं मोरक्को का ये यात्री था। ऑप्शन ए सही आंसर है। आप यहाँ पे कमेंट करके बताएं कि जो इबन बतूता था वो किसके शासनकाल में भारत में आया था, तो इसका आंसर आप यहाँ पे करें कि जो यात्री था इबन बतूता वो किस स्थान से जो है वो भारत में आया था, तो इसका आंसर आप जरूर करें। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो जीके का 5वां प्रश्न है आपके पास ये कि भारत के संविधान का निर्माता जो है वो किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपसे बात बोली गई है कि किसने जो है वो हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वो बनाया है। तो आप सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं, इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया है। ऑप्शन बी आपका जो है वो सही आंसर है। कमेंट करके आप आंसर यहाँ पे जरूर शेयर करें। साथ में मैं आपको बता दूं कि हमारा जो संविधान है वो हमारा 26 नवंबर 1949 को जो है वो यहाँ पे बना था, और हमारा 26 जनवरी 1950 को ये पूरे भारत में जो है वो लागू किया गया था। इसीलिए 26 जनवरी को जो है वो हमारा गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया जाता है। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपके पास, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? इस क्वेश्चन का जल्दी से आप आंसर बताएं कमेंट करके, क्या इसका सही आंसर रहेगा। आप हमारा जो है वो ऑनलाइन बैच भी जो है वो ले सकते हैं, उसमें आप सभी की क्लासेस जो है वो आर्मी, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल की जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। तो उसका जो आपका प्राइस रखा गया है 1199 है आपका जीडी और क्लर्क का, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो 150 से ज्यादा टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, और साथ में आपको पीडीएफ्स भी आपको मिलेंगी। और टेक्निकल का जो है वो 1599 का आपका कोर्स है वो आप परचेज कर सकते हैं। विजयपथ एजुकेशन आप डाउनलोड करें, वहां से आप उस कोर्स को जो है वो आप परचेज कर सकते हैं। प्रश्न है आपको, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितनी प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? तो जिन्होंने यहाँ पे आंसर 5 बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो जो उच्चतम न्यायालय है मतलब कि जो हमारा हाई कोर्ट है वो जो है वो टोटल कितनी प्रकार की रिट पटिशन जो है वो जारी कर सकता है, तो ये चीज आपसे यहाँ पे पूछी गई है। अब रिट की बात करते हैं सबसे पहले कि रिट होता क्या है। तो रिट जो है वो हमारे पास क्या चीज है, रिट एक टाइप का एक परफॉर्मा है, एक टाइप की एक केस आप बोल सकते हैं, केस स्टडी है। उसका मतलब क्या है कि जब आपका कोई एक केस चला है और लोअर कोर्ट का मतलब है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, एसडीएम कोर्ट होते हैं, वहां पर आपको न्याय नहीं मिला है और आपने जो लोअर कोर्ट का फैसला है उसको रिव्यू करने के लिए जो है वो हाई कोर्ट में एक बार फिर से उसके लिए आपने रिट पटीशन जो है वो फाइल की है, और हाई कोर्ट में भी अगर आपको जवाब नहीं मिला तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आपने मूवीज में देखा होगा कि अगर हाई कोर्ट में नहीं मिलता तो वो बोलते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो छोटा कोर्ट है उसका जो फैसला है वो आपको पसंद नहीं आया, आपके हक में नहीं आया, फिर उन्होंने गलत फैसला दिया, तो आप उस फैसले को जो है वो एक बार रिव्यू कर सकते हैं, तो उसको कहा जाता है रिट पिटीशन। तो हाई कोर्ट में जो है वो आर्टिकल 226 के तहत रिट दी जाती है, और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो आर्टिकल 32 के तहत इसको रिट पिटीशन जो है वो फाइल की जाती है। टोटल 5 प्रकार की हमारे पास रिटें रहती हैं, जिसमें हैबेस कॉर्पोरस है, मेंडामस है, प्रोहिबिटेशन है, क्यूरो वेरेंटो है और सेंट्यूरो है। तो इस टाइप की हमारी टोटल 5 रिटें रहती हैं। पांचों का अपना जो है अलग अलग महत्व है, और मैं आपको बता दूं जो हमारा आर्टिकल 32 है उसको संविधान का जो है वो आत्मा भी कहा जाता है, हमारे फंडामेंटल राइट की आत्मा भी आर्टिकल 32 को ही कहा जाता है, क्योंकि ये स्पेशली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है वो दी गई थी। अगला प्रश्न क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का कौन से नंबर का सबसे बड़ा देश है? तो एरिया वाइज आपसे यहाँ पे बात बोली गई है कि पूरी दुनिया की अगर हम बात करें पूरी दुनिया की, तो उसमें जो है वो हमारा भारत कौन से नंबर पे आता है, कौन सी पोजीशन पे आता है जिसमें क्षेत्रफल
क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए, एरिया वाइज अगर देखा जाए, तो पूरी दुनिया में हमारे भारत का कौन सा नंबर है, तो वो है 7वां नंबर। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है। जिनका भी आंसर ऑप्शन डी 7वां है, वो बिल्कुल सही आंसर उन्होंने यहाँ पे दिया है। अगर मैं बात करूँ जनसंख्या के अकॉर्डिंग, तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा चीन जो है वो सबसे पहले नंबर पे है अभी तक। लेकिन जैसे जैसे हमारी डे बाय डे पॉपुलेशन भारत की बढ़ रही है, तो उस कुछ टाइम के बाद जो है वो इंडिया दूसरे नंबर से जो है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पहले नंबर पे शिफ्ट हो जाएगा। ये चीज आपको माइंड में रखनी है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी क्या आंसर इसका रहेगा, तो इसका आंसर है गोदावरी। कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आंसर क्या है आपका, गोदावरी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और अगर मैं गोदावरी नदी की बात करूं, इसकी जो लंबाई है वो है हमारे पास 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर जो है वो इसकी कुल लंबाई रहती है पूरे भारत में। और अगर मैं इसके निक नेम की बात करूं, दो इसके मुख्य नाम है, तो एक जो है वो है हमारे पास दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा के नाम से भी हम किसे जानते हैं, गोदावरी को ही जानते हैं। और साथ में आपने सुना होगा बृद गंगा के नाम से भी हम किसे जानते हैं, गोदावरी नदी को ही जानते हैं, क्योंकि ये दक्षिण में मुख्य रूप से बहती है, इसलिए इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। काफी पुरानी नदी है, इसलिए इसे बृद गंगा के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पंचमढ़ी जीव अभयारण्य क्षेत्र कहां पर स्थित है? जो पंचमढ़ी हमारा नेशनल पार्क है कहां पर स्थित है, तो ये हमारा स्थित है मध्य प्रदेश में। आपको ध्यान में रखना है मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। कमेंट करके आप जरूर बताते रहें अपने आंसर। और लास्ट में जब हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर एक कंप्लीट हो जाएगा सॉल्यूशन के साथ, तो अपना स्कोर जो है वो आप जरूर हमारे साथ शेयर करें। और आप हमारी जो है वो टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं, क्योंकि अब जो आपका एग्जाम है वो आपका ऑनलाइन होने वाला एग्जाम है। सबसे बड़ा टेंशन है आपके लिए वो है आपके लिए टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में आपका टाइम ही जो है वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। किस कितने टाइम में कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि माइंड पजल हो जाता है। बाइलिंगुअल प्रश्न तो होते हैं, लेकिन वहां पे क्वेश्चन आपको चेंज करना पड़ता है। एक चीज आप ये ध्यान में रखें, जैसे आपका आर्मी का एग्जाम है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है भारत की राजधानी क्या है, यहाँ पे लिखा है जैसे कि मैं बताता हूं भारत की राजधानी क्या है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन लिखा है, तो यहाँ पे स्लैश करके लिखा होता था बट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ऑप्शन में भी ऐसे लिखा होता था, पहले लिखा है जैसे कि दिल्ली इंग्लिश में, और फिर लिखा है आपके पास हिंदी में। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है। जैसे इस ये जो आपका 9th क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पूरा का पूरा हिंदी में है, तो इसी तरीके से यहाँ पे छोटा सा एक कॉलम दिया होता है, वहां पे लिखा होता है लैंग्वेज चेंज या फिर लिखा है इंग्लिश। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा क्वेश्चन जो है वो आपके इंग्लिश में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका टाइम जो है वो लगभग 1 मिनट, मैं अगर बात करूं एवरेज के लिए, तो 1 से 2 मिनट अगर आपके यहाँ पे वेस्ट हो गए पूरे एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं आपकी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो फर्क पड़ेगा। इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर करें। हमारे आप मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री वाले, उनको आप देख सकते हैं, अच्छे लगे तो आप उनको बाय कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में है हमारा पंचमढ़ी नेशनल पार्क। अगर इसकी बात करें कब ये बना था, 1999 में जो है इसको बनाया गया था, और उसके बाद 2009 में 10 सालों के बाद इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है वो ऐड कर दिया गया था। अगला प्रश्न क्या है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश में हमारा नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो बनाई गई है, और किस नदी पर है, तो इसके लिए ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ मेथड जो है वो पता होने चाहिए स्टडी के। नागार्जुन सागर जो है यहाँ पे बात की गई है नाग की, मतलब कि जो सांप है, सांप के ऊपर किसने डांस किया था, किसने उसको पकड़ा था, तो वो थे कृष्ण, भगवान कृष्ण ने जो है उनके ऊपर डांस किया था यमुना नदी में। आप सभी जानते हैं, स्टोरी आपने पढ़ी है। तो नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है आपके पास, क्वेश्चन इलेवन जीके का, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर है, तो इसकी बात करें तो ये जो है ये हमारा है यूपी में,
आपको ये स्टेट का नाम भी पता होना चाहिए यूपी, और किस स्थान पे है, तो वो है हमारा लखनऊ में। ट्रिक इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र, मतलब कि जहां पे वनस्पति के ऊपर रिसर्च किया जाता है। वनस्पति क्या है, एक टाइप की आयुर्वेद है, जड़ी बूटी है, तो जड़ी बूटी है। तो वनस्पति जो है वो किसके लिए हेल्प है, लाखों लोगों के लिए हेल्प है, तो लाखों से हो जाएगा लखनऊ। तो लखनऊ जो है इसका राइट आंसर है। और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है वो CSIR के द्वारा जो है वो हैंडल किया जाता है। 1948 में जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था। अगला प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे नियर होती है, बिल्कुल पास में होती है। तो कुछ इस तरीके से हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। जरूरी नहीं है कि सबसे बड़ा दिन सबसे छोटा दिन ही पूछा जाए, कुछ अनदर वे में भी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो 3 जनवरी को, जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है वो बिल्कुल सही है, 3 जनवरी को जो है वो पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल नियर अबाउट में होती है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन साल में किस दिन आता है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा दिन जो है वो कब आता है पूरे साल में। अगला प्रश्न है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति जो मानचित्र के ऊपर अध्ययन करते हैं, उनको बनाते हैं, उनको क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, तो कार्टोग्राफी के नाम से है उनको जाना जाता है। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है रहेगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड लेवल के GK के अकॉर्डिंग ये डाला गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है, तो ऐसी कौन सी झील है जिसको हनीमून झील के नाम से जानते हैं। 4 ऑप्शन है, न्यासा है, चैड है, टिटिकाका है, टोबा है। तो कौन सी झील है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर रहेगा। टोबा जो है उसको हम हनीमून लेक के नाम से जो है वो हम जानते हैं। उसी प्रकार के भारत में भी कुछ ऐसी झीलें हैं जिनके कोई ना कोई निक नेम है, जैसे कि फ्रेश वाटर की झील कौन सी है, तो वो है आपकी बुलर झील, जो हमारी जम्मू कश्मीर में पड़ती है। तो उस तरीके से झीलों से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न स्पोर्ट से रिलेटेड, सचिन तेंदुलकर ने निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था। ऑप्शन दिए गए हैं, जो हमारे भारत के खिलाड़ी हैं, मुख्य खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, तो अभी जो है उन्होंने जो है वो संन्यास ले लिया है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इनको जो है वो क्रिकेट का भगवान जो है वो माना जाता है, गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से किसे जानते हैं, पूरे भारत में सचिन तेंदुलकर को जानते हैं। तो सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक कौन से स्टेडियम में बनाया था, तो वो बनाया था उन्होंने शेरे बांग्ला स्टेडियम। तो शेरे बांग्ला, बांग्ला का मतलब है कहाँ पे होगा, बांग्लादेश में होगा। तो ये इंडिया में नहीं बनाया था इन्होंने, बांग्लादेश में बनाया था, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है, हमारी ढाका। अब किस वर्ष बनाया था, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 2012, 2012 साल में जो है वो इन्होंने यहाँ पे अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक जो है वो यहाँ पर बनाया था। अगला सेक्शन जो है वो हमारा जनरल साइंस का रहेगा, जिसमें फिर से हमारे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। GK के हमने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप किए, अब जनरल साइंस में है क्वेश्चन नंबर 16, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है। हिमांक का मतलब है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे दिया गया हिम, हिम का मतलब है बर्फ, तो बर्फ का मतलब है कब जमती है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है उसका, फ्रीजिंग पॉइंट पानी का जमने का पॉइंट क्या है। तो आप सभी को पता है पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो इजीली जम जाता है। टोटल हमारे पास 4 स्केलें होती हैं किसी भी तापमान को मापने के लिए। डिग्री सेल्सियस हो गया, फारेनहाइट आपने सुना है, केल्विन आपने सुना है, एक नई स्केल है जिसको हम बोलते हैं रीमर स्केल, इसका भी आप ध्यान में रखें। और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो पानी का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, जिसके ऊपर पानी उबल जाता है और 0 डिग्री के ऊपर पानी जम जाता है। अगला प्रश्न है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। जो हमारे तारे हैं, स्टार हैं,
आपने देखे होंगे इस टाइप के आसमान में जो है वो आप सभी को तारे दिखते हैं, तो उनका रंग जो है, क्योंकि वो किस रंग के दिखते हैं, व्हाइट कलर के दिखते हैं, सफेद रंग के वो दिखते हैं, तो वो किसके ऊपर निर्भर करता है, तापमान के ऊपर, उनकी दूरी के ऊपर, रेडियस के ऊपर, या फिर वायुमंडलीय दाब के ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, तो वो डिपेंड करता है उनके टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका तापमान क्या होगा, सॉरी टेम्परेचर बढ़ेगा तापमान बढ़ेगा, तो उनका रंग क्या है, हल्का हल्का जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि तारों का जो तापमान रहता है वो लगभग 6000 केल्विन के आसपास रहता है, जो कि काफी ज्यादा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जब भी हम लोहे को जो है वो गर्म करते हैं तो लोहा कौन से कलर में चला जाता है, लाल कलर में चला जाता है, ये आपको पता है। जैसे ही हम इसको और ज्यादा गर्म करते चलेंगे तो आपको हल्का सा लगेगा कि ये पीले कलर का होने वाला है, लेकिन इस स्टेज में जो है वो लोहा क्या हो जाता है, पिघल जाता है। आपने कई ऐसी वीडियोस में यूट्यूब पे ज्यादातर आपने देखा होगा, किसी भी लोहे को जब पिघलाते हैं तो लाल रंग से वो किसमें हल्का हल्का चेंज होने लगता है, पीले रंग में चेंज होने लगता है, लेकिन उस स्टेट में जाते ही वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है। इसलिए पीले रंग जो वाले जो हैं वो सबसे ज्यादा क्या है, गर्म होते हैं, जैसे कि है हमारा सूर्य, कोई चीज उससे भी ज्यादा अगर गर्म है, उससे भी ज्यादा टेम्परेचर है, तो उसका कलर कैसा हो जाता है, सफेद, जो कि है किसका, तारों का रंग है। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया गया था नरेंद्र कपानी के द्वारा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका, और 1952 में जो है वो नरेंद्र कपानी के द्वारा ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया गया था। आप सभी जानते हैं आज पूरी दुनिया जो है ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर रही है, जहां से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नेटवर्क को पहुंचा रहे हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास, एशिया की सबसे विशालतम परावर्ती दूरबीन कहां पर स्थित है, तो जो एशिया की सबसे बड़ी लंबी परावर्ती दूरबीन है वो किस स्थान में स्थित है, तो जल्दी से आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहां पे बताएं, क्या इसका राइट आंसर रहेगा। अगर मैं बात करूं जो हमारी ये दूरबीन है, इसका जो डायमीटर है, डायमीटर का मतलब व्यास है, वो लगभग कितना है, 2.3 मीटर इसका टोटल डायमीटर है, और ये हमारी जो है वो पड़ती है कहाँ पे, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में ये पड़ती है, और तमिलनाडु के कौन से स्थान पर, कवालूर में ये पड़ती है, कवालूर में जो है वो एशिया की सबसे विशालतम परावर्ती दूरबीन जो है वो रखी गई है, जिसका व्यास है, डायमीटर है 2.3 मीटर। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही आंसर है उनका। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, काफी इजी क्वेश्चन है और ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ था, न्यूटन्स थर्ड लॉ जो था, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्योंकि जो चीज फॉरवर्ड में जा रही है उससे कोई ना कोई चीज बैकवर्ड में होगी, जो अपवर्ड में जा रही है वो डाउनवर्ड में भी कोई ना कोई चीज उसकी होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मेरे पास कोई एक गुब्बारा है, उसके ऊपर मैंने क्या भरी है, हवा भरी है, और ये यहाँ पे पेड़ का ही डिजाइन बन गया। सो कोई एक जो है वो गुब्बारा है कुछ इस तरीके से, उसमें जो है वो हवा भरी गई है, तो जब आपने देखा होगा अगर मैं इस गुब्बारे को कुछ हाइट के लिए छोड़ दूं तो ये गुब्बारा ऊपर जाएगा और हवा जो है वो कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। तो उस वजह से क्या है, कोई चीज प्रेशर से जब कोई चीज रिलीज की जाती है तो वो धीरे धीरे क्या करती है, ऊपर की ओर जाने लगती है। तो रॉकेट भी क्या है, रॉकेट भी नीचे से ऊपर जाता है और पीछे के लिए जो है वो गैसेस को बाहर छोड़ता है, तो इसके ऊपर लगता है न्यूटन का थर्ड लॉ, ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, डिस्कवरी से रिलेटेड प्रश्न है आपके पास ही, तो टेलीविजन का आविष्कार जो है वो किसने किया, वो किया था जेएल बेयर ने। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लगभग आपके जो सेंटर के एग्जाम रहते हैं आर्मी के, उनमें ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। जेएल बेयर जो थे उन्होंने जो है वो 26 जनवरी को जो है 1926 को, डेट आपको इजीली याद हो जाएगी, 26 जनवरी 1926 को जो है वो इन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया था, और किस देश के रहने वाले थे, तो स्कॉटलैंड के जो है
ये रहने वाले थे जिन्होंने जो है वो टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न क्या है, अवर्त सारणी मतलब कि जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें तत्वों का वर्गीकरण, जो आपके एलिमेंट हैं उनकी क्लासिफिकेशन जो है वो सबसे पहले किसने की थी। तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, अवर्त सारणी है, उसमें जितने भी हमारे एलिमेंट या तत्व रखे गए हैं वो कैसे रखे गए हैं, किस आधार पर रखे गए हैं, और सबसे पहले उसे किसने उसमें एडजस्ट किया था, किसने उसने किसमें जो है उसको द्वारा रखा गया था, ये आपका प्रश्न है। तो उनको जो है वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो आप सभी जानते हैं उनको रखा गया है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, हाइड्रोजन का नंबर 1 है, हीलियम का जो है वो नंबर 2 है। तो किस आधार पर है, एटॉमिक नंबर के आधार पर है। लेकिन सबसे पहले रखा किसने था, तो वो रखा गया था मेंडलीफ के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। टोटल जो है वो 118 हमारे अभी तक जो है वो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट ऐड हुए हैं। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो लोहे के में जंग जो है वो कब लगता है, आप सभी जानते हैं जब लोहा बाहर रहता है, बाहर मतलब कि घर के बाहर उसको रखते हैं, तो उसमें जब मॉइस्चर और ऑक्सीजन उसके साथ मिलता है, पानी और ऑक्सीजन जब उसके साथ मिलती है, तो उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाती है, उसमें जो है वो रस्ट लग जाती है। और रस्ट लगने के कारण जो है उसका वेट जो है वो बढ़ जाता है। तो रस्ट के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो Fe2O3.XH2O, ये जो है ये आपका जंग का फॉर्मूला जो है रहेगा, जंग का सूत्र या फिर रस्ट का फॉर्मूला जो है आपके पास रहेगा। अगला प्रश्न क्या है, एक खिलाड़ी या एथलीट को किससे जो है वो सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। तो जो हमारा एथलीट है, कोई एक खिलाड़ी है गेम का, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा उसको किस चीज से मिलती है, तो वो मिलती है उसको कार्बोहाइड्रेट से। क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारे एथलीट होते हैं या फिर जो प्लेयर होते हैं उनको जो है वो खेलने से पहले जो है वो क्या पिलाया जाता है, ग्लूकोज पिलाया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज में जो है वो ज्यादा मात्रा में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ताकि उनको क्या मिल सके, इंस्टेंट एनर्जी जो है वो मिल सके। आपने कुछ ड्रिंक्स जो है वो भी आपने सुनी होगी, जैसे कि रेडबुल है या फिर कुछ और हमारे पास स्ट्रिंग है, रेडबुल है, ये कुछ ऐसी हमारे पास ड्रिंक है जिनसे हमें सबसे जल्दी क्या है, ऊर्जा प्रदान होती है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन से संबंधित विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है। आप सभी जानते हैं राइबोफ्लेविन जो है वो आपका विटामिन B2 का नाम है। विटामिन का टॉपिक जो है वो आपके आर्मी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो आपके लिए रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से आपका आर्मी के लिए हर किसी एग्जाम में आपका एक या दो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। विटामिन B2 की अगर बात करें तो ईस्ट में जो है खमीर हम जिसको बोलते हैं, तो उसमें जो है वो सबसे ज़्यादा जो है ये पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है, जो भी ह्यूमन के नाखून होते हैं या फिर जो भी एनिमल हैं, जानवर हैं, उनके जो खुर हैं, उनके जो पाँव के नाखून होते हैं, किस पदार्थ के बने हैं, या फिर हमारे जो बाल हैं उनमें कौन सा प्रोटीन होता है, तो कैरेटिन नाम का प्रोटीन जो है वो पाया जाता है हमारे बालों में, हमारे नाखूनों में। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कमेंट करके आप आंसर आप ज़रूर शेयर करते चलें, क्योंकि इस टाइप की आपको क्लासेस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। सर्वग्राही मतलब जो सबसे खून ले सके, ऐसा कौन सा ग्रुप है जो सबसे खून ले सके, एक्सेप्टर कौन सा है, तो वो है आपका AB, और जो सबको दान दे सके तो वो कौन सा है आपका, ऑप्शन बी, ये जो है वो सबको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, दान दे सकता है, ओ वाला जो है वो सबको डोनेट कर सकता है, और ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, वो सबसे ब्लड ले सकता है। उसके बाद है, मानव का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय धड़कता है, आप सभी जानते हैं ये तो 72 बार जो है वो आदमी का हृदय धड़कता है। हृदय की बात करूं तो टोटल 4 चैम्बर हमारे हृदय में रहते हैं। हृदय हमारा लगभग जो है वो 300 ग्राम का है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, यहाँ पे बोला गया है
एक सामान्य आदमी का हृदय कितनी बार धड़कता है, कितने टाइम में? 1 मिनट। लेकिन अगर मैं किसी बच्चे की बात करूं तो 1 मिनट में जो है उसका हृदय धड़कता है लगभग 150 बार। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, तब आपका आंसर 72 नहीं होगा, क्योंकि 72 कब होगा? जब उसकी एज कितनी है? लगभग 6 साल से ज़्यादा है। जब वो स्कूलिंग एज में जाएगा तो उसका हृदय जो है वो 72 बार धड़कता है, लेकिन जो एक सामान्य बच्चा है, काफी छोटा बच्चा है, 2-3 साल का, तो उसका हृदय जो है वो 150 बार जो है वो धड़कता है 1 मिनट में। अगला प्रश्न है हमारा, काली मौत किसे कहते हैं? आप सभी जानते हैं, काफी इजी सा प्रश्न डाला गया है। प्लेग को जो है वो काली मौत के नाम से जानते हैं। तो चूहों के द्वारा, माउस के द्वारा जो है ये रोग फैला था, और कोरोना पेंडेमिक की तरह जो है ये काफी हद तक जो है वो भयानक बीमारी जो है वो पूरे भारतवर्ष को लगी थी। अगला लास्ट प्रश्न है जनरल साइंस के सेक्शन का, फिर हमारा मैथ जो है वो स्टार्ट होगा। कैंसर के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जैसे आप सभी जानते हैं, हड्डियों का उपचार जो है वो ऑर्थो वाले करते हैं, वैसे ही हमारी अगर नॉर्मल चेकअप करना है अगर हमें, तो हमारा जो है वो फिजिकल चेकअप किया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो हमारा अगर पीठ में कहीं पे अगर हमें दर्द है, तो फिजियोथेरेपी जो है वो किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो अगर किसी को कैंसर है, उसके उपचार के लिए कौन सी थेरेपी का उपयोग करते हैं? तो कीमोथेरेपी, ऑप्शन बी जो है, जिन्होंने आंसर बताया बिल्कुल सही है। और ऐसी कौन सी गैस है जिसका उपचार स्किन कैंसर के लिए किया जाता है? तो वो गैस है हमारी रेडोन गैस। रेडोन जो है वो हमारी एक नोबल गैस है, और ये हमारे इन्वायरमेंट में पाई नहीं जाती है। इसका उपयोग जो है वो कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। तो आप जो है वो आर्मी, अग्निवीर, जीडी का, क्लर्क का और टेक्निकल का जो है वो ऑनलाइन बैच जो है, ऑनलाइन कोर्स आप हमसे परचेज कर सकते हैं। आप जो है प्ले स्टोर से विजयपथ एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करें, कोर्सेज के ऊपर जाएं, अपनी पेमेंट करें, और साथ में आपको जो है वो 150 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपकी ओपन हो जाएंगी। साथ में एक सैम्पल पेपर जो है इसमें फ्री आपका दिया गया है, उसको भी आप जो है वो चेक जरूर करें। किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाइलिंगुअल है, किस टाइप से आपका क्वेश्चन आपके रहते हैं, वहाँ पे कितने टाइम में किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, किस तरीके से आपको पेपर जो है वो पूरे टाइम के अंदर सॉल्व करना है। तो जब तक आप कोई ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो नहीं लेंगे, या नहीं आप उस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का प्रॉपर यूज करेंगे, प्रॉपर आप उसको सीखेंगे, तब तक जो है वो आपको डिफिकल्टी जो है वो रहने वाली है। क्योंकि आर्मी के जितने एग्जाम हैं वो सभी आपके जो हैं वो ऑनलाइन होने वाले हैं। तो उसके लिए जो है वो आप हमारी टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हैं। साथ में आप हमारा ऑनलाइन कोर्स अगर बाय करते हैं, तो यही टेस्ट सीरीज आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको प्रोवाइड की जाएंगी। किसी भी हेल्प के लिए जो है वो आप दिए गए नंबर के ऊपर जो है वो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैथ के सेक्शन की बात करते हैं। पहला प्रश्न जो है वो आपके पास है मैथ का, जल्दी से इसको जो है वो मैं सॉल्यूशन यहाँ पे करता जाऊंगा, आप अपना आंसर बताते चलें, साथ साथ में आप सॉल्व करें। 3 की पावर 4 है, तो 3 की पावर 4 कितना होता है? 3 × 3 9, 9 × 3 27, और 27 को 3 से करेंगे 81। 12 का स्क्वेयर कितना है? 144 है, 144 और 81 कितना होता है? 225, और 225 किसका रूट है? 15 का। तो जिन्होंने भी आंसर 15 बताया, ऑप्शन बी उनका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है प्राइम नंबर। पहली 5 प्राइम नंबर का जो है वो एवरेज कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी प्राइम संख्याएं हैं, प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो अपने ही पहाड़े से कटते हैं? पहला नंबर कौन सा आ गया? 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, और 7 के बाद आएगा हमारे पास 11। तो ये हमारे 5 नंबर हो गए, इनका औसत निकालना है। तो मेथड क्या है? सभी नंबर को आप ऐड करेंगे, और जितने नंबर हैं उनके साथ आप डिवाइड करेंगे, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो सबको ऐड किया, ऐड करके कितना आ जाएगा? 28। 28 को 5 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5.6। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पे मैं डिवाइड करने की एक आपको ट्रिक जो है वो बताने लगा हूँ। जब भी आपका किसी चीज़ को डिवाइड करना है आपने 5 से,
तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा गया है 28 डिवाइड बाय 5, और 5 को आपने 28 से भाग करना, तो आप क्या करेंगे 28 का डबल यहाँ पे लिख लेंगे। 28 का डबल कितना है 56, और यहाँ पे बीच में एक अक्षर छोड़ के लगा देंगे पॉइंट, तो वो 5 से क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका टफ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा एडिशन का आपका क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। सबसे पहले जो आपके पास प्रॉपर वैल्यू है उनको आप अलग कर लें, जैसे कि 111 है, 421 है, इनको मैंने अलग कर लिया, और जो आपके पास हाफ हाफ है उनको आप क्या करें अलग कर लें। तो 4 बार जो है वो आपके पास आधे आधे यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आप ऐड करें, यहाँ से कितना रिजल्ट आपका बनेगा, तो इन सभी को आप ऐड करेंगे तो 1234 बनेगा। ये आधा और आधा एक, ये आधा और आधा एक, एक और एक कितने दो, तो 1234 और दो कितने बन गए 36, 1236। ऑप्शन कौन सा जी, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है आपके पास, इनका जो है वो आपको महत्व समावर्तक आपको निकालना है। महत्व समावर्तक का मतलब होता है HCF, तो 24, 20 और 120, सॉरी 24, 40 और 120 का आप क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। HCF एक ऐसा नंबर है जिस नंबर से ये सारे डिजिट आपके कट जाएंगे, तो वो नंबर कौन सा है 8। 8 से आप काटेंगे 6 बार कटेगा, 8 से 40 5 बार कटेगा, और 8 से 120 जो है वो आपका कटेगा 15 8 120। तो इसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सभी वैल्यू को काट सके, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 3 से बात करूँ, 3 से 6 कट जाएगा, 15 कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा। 5 से बात करूँ, 5 कट जाएगा और 15 कट जाएगा, लेकिन 6 नहीं कटेगा। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं आ सकता 8 के अलावा जो इन सबको काटे, इसलिए ऑप्शन ए 8 जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 23% 690 है, तो हाँ जी कोई संख्या ले ली मैंने, एक्स ले लिया, एक्स का कितना जी 23%, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, कितना है जी 690 है। तो आप पहले संख्या निकालें, आप एक्स की वैल्यू निकालें 690, 23 जो है ऊपर से आएगा नीचे, और 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 23 से 69 कटा कितने बार, 2 बार, 20 आएगा, और संख्या क्या आ गई वो आ गई 2000। अब उस संख्या का कितना पूछा है, 72% पूछा है, सॉरी यहाँ पे कटेगा 20 से नहीं 30 से कटेगा, तो 3000 आएगा, और 3000 का क्या निकालना है आपने, 72% निकालना है, तो 72/100, 2 0 से 2 0 कट गई, और आप गुणा कर दें, 3 0 तो एज इट इज रहेगी, 6 और 7 21, 2160 ऑप्शन सी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। तो जल्दबाजी ना करें, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास जो है लगभग 45 सेकेंड आपको मिलेंगे, या आप टारगेट लेके चलें, क्योंकि 45 आप लेके चल सकते हैं, या फिर आप 1 मिनट का टाइम भी आप लेके चल सकते हैं, 1 मिनट में आपको जो है पूरा एक क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करने के लिए मिलेगा, तो उस तरीके से ही आप टाइम मैनेजमेंट ऑनलाइन क्लास के लिए आप करें। उसके बाद जो है हमारा प्रॉफिट लॉस से प्रश्न है, अंकित मूल्य जो है वो आपको दिया गया है कितना, 1280, और शर्ट को जो है वो 900 रुपये में बेचा जाता है, तो MRP दिया गया है और 900 रुपये में बेचा गया, तो छूट कितनी मिली, दुकानदार ने बोला कि 1280 प्राइस है, लेकिन दिया कितने में, 900 में दिया, इसका मतलब डिस्काउंट उसने दिया कितने में, 380 रुपये उसने छोड़ दिए, किस पर छोड़े, 1280 पर छोड़े, और परसेंटेज के लिए गुणा करेंगे 100 से। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गई, और सॉल्यूशन कटिंग करके आप यहाँ पे सॉल्यूशन कर लें, आंसर आएगा 29.68%, कौन सा जी, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक व्यक्ति को एक वस्तु जो है 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि और हानि होती है, उसे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में वस्तु को बेचना पड़ेगा। अब इसका मतलब है कि जब उसने 180 रुपए में बेचा तो उसे क्या है,
10 की हानि हुई। मतलब कहीं ना कहीं इस 10 की हानि जो है कहाँ पर छिपी है, 180 में छिपी है। 100 से कंपेयर करते हैं हर बार हम, प्रॉफिट लॉस 100 से ही लेके चलते हैं। 10 की हानि 100 से 10 कम कर दिया तो कहाँ पे पहुँचे हम, 90 में पहुँचे। तो 90% की वैल्यू दी गई है, 1% की वैल्यू आप निकालेंगे तो 180 बटा क्या आएगा, 90। कितने की वैल्यू पूछी है, 10% लाभ पूछा है, तो 100 से 10 बढ़ा दिया तो कितने पे पहुँचे, 110 पे पहुँचे। मतलब वैल्यू पूछी है 110 की। तो काउंट करेंगे 0 से 0, 2 से कट जाएगा ये 2 बार, 9 से 2 बार कटेगा, और 110 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 220 रुपये जो है इसका जो है वो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है एवरेज से रिलेटेड, 15 मैचों का रनों का औसत 35 है और पहले 10 मैचों का जो है वो औसत कितना है, 45 है। तो जो 5 मैच बचे उनका औसत कितना आएगा, बिल्कुल इजी वे से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 38 क्वेश्चन है ये मैथ का हमारा। यहाँ पर जो है वो 15 मैच थे, यहाँ पे मैं लिख लेता, साथ साथ में आप सॉल्यूशन करते चलें। 15 मैचों का औसत बताया गया है कितना, 35। तो यहाँ पे हम इसका निकालेंगे सम, योग हम इसका निकालेंगे। तो योग के लिए हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 को किससे गुणा कर दिया, 35 से गुणा कर दिया, तो हमारे पास कितना आएगा, 525 हमारे पास आंसर आएगा। उसके बाद जो हमारे 10 मैच हैं, 10 मैचों का औसत कितना है, 45, इसको भी गुणा करेंगे तो 10 को 45 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 450 आ गया। अब यहाँ पे 15 मैचों का हमें पता है, 10 मैचों का पता है, अब इसके बीच जो 5 का गैप है वही हमें निकालना है, तो हम इनको माइनस कर लेंगे, 525 में से हमारे 450 चले गए तो बचे कितने, 75। अब उनका जो आंसर आएगा वो आएगा 75, लेकिन हमें बोला गया है औसत निकालना है, 5 मैचों का टोटल आया है, तो औसत निकालने के लिए टोटल ऊपर रखते हैं और कितने नंबर हैं उनसे डिवाइड करते हैं, 5 से 75 कटेगा कितनी बार, 15 बार। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन को आप साथ साथ में सॉल्व करते चलें, तब भी आपका क्वेश्चन जो है वो समझ में आपको आएगा। ए और बी की आयु का अनुपात 3 और 1 है, तो यहाँ पर कोई दो पर्सन है ए और बी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, उनकी आयु का अनुपात कितना है, 3 और 1। इसको करने का सबसे ईजी मैथड ये है, रेशियो से भी आप कर सकते हैं, 4 वर्ष पहले तो माइनस के 4 कर दिया, कितनी रेशियो थी इनकी, 4 और 1 थी। आपको ध्यान में रखना है जब भी रेशियो ऐसे दी जाती है 1:2, तो इसका मतलब होता है 1/2, 11:2 होगा तो इसका मतलब है 11/2। उस तरीके से मैंने क्वेश्चन को लिखा, आप इसको सॉल्व करें, क्रिस क्रॉस में 3x - k4, और ये पूरी वैल्यू आपकी इस तरफ जाएगी, ये बनेगा आपका 4x - k16। अब आप कटिंग करेंगे, प्लस माइनस आप करें तो यहाँ पे आपके पास बनेगा 16 माइनस से प्लस में चला आएगा, और 3x जो है वो प्लस से चला जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे बचा आपके पास कितना, 12 बचा, और यहाँ पे बचा 1x, तो 1x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। x की वैल्यू 12 आ गई। अब हमें बोला है a की वर्तमान आयु, तो a की वर्तमान आयु क्या है, 3 है, तो इसको 12 से गुणा कर देंगे, 12 तेया कितने, 36। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, वर्क एंड टाइम से रिलेटेड, ए बी सी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, बी और सी 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। इजी क्वेश्चन है ये भी हमारा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए बी और सी, ये जो है वो 15 दिन में करते हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास बी और सी, बी और सी जो है वो 20 दिन में करते हैं। ए के अकेले की निकालनी है, टोटल काम निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 60, 15 से जाएगा 4 बार और 20 से जाएगा 3 बार। अब इसका मतलब क्या है कि ए बी और सी तीनों के तीनों जो हैं वो एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल गई, तीनों के तीनों एक दिन में 4 काम करते हैं, और बी और सी एक दिन में कितने काम करते हैं, 3। तो इस बी और सी की जगह आप क्या भर देंगे, 3 भर देंगे, तो ए प्लस बी और सी की वैल्यू कितनी है, 3, ये बराबर है 4। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 - 3 बराबर है 1। इसका मतलब ए एक दिन में 1 काम करता है, तो टोटल काम कितना कितना करना, उसको टोटल काम करना है 60। तो 60 काम करने के लिए उसको एक दिन में 1 काम करना पड़ेगा, तो 60/1, इसका मतलब उसको कितना दिन लगेंगे,
टोटल 60 दिन उसको जो है वो लगेंगे। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर आप ज़रूर करें, और साथ में कमेंट करके हर क्वेश्चन का आप आंसर करें। चाहे वो आपका आंसर गलत ही हो, लेकिन आप उसको यहाँ पे इजी वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हो सकता है आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सेम टू सेम आपका यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और तब आपके माइंड में ये चीज़ जो है वो फिट हो सकती है कि जिस टाइप से हमने वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो इसी तरीके से हम वहाँ पर भी क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व आउट करें। अगला प्रश्न है, इजी सा क्वेश्चन है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में आपको चेंज करना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर पर सेकेंड में चेंज किया जाता है, तो 5/18 से हम गुणा करते हैं, तो 18 से ये कटेगा 3 बार, और 5 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 15। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ट्रेन के चैप्टर से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और अगला जो है ये भी हमारा ट्रेन का ही क्वेश्चन हमारा बनेगा। तो 75 मीटर लंबी एक कोई रेलगाड़ी है, फॉर्मूला लगाते हैं स्पीड बराबर है डिस्टेंस ओवर टाइम, जिसको दूरी बराबर है गति बराबर है दूरी बटा समय हम बोलते हैं। तो 75 मीटर जो है वो हमें दी गई है रेलगाड़ी की लंबाई, मतलब कि डिस्टेंस हमें दिया गया है 75 मीटर, और स्पीड जो है वो ट्रेन की दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें बोला है कितना समय लगेगा। अब समय जो है वो आपको पता है कि कोई एक आदमी है यहाँ पे खड़ा है, और उसके पास से कोई ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन कितने समय में गुजरेगी, क्या उसे घंटे लग जाएंगे या फिर बिल्कुल छोटा सा टाइम जाएगा। तो उसको बिल्कुल छोटा सा टाइम लगेगा पास करने में, तो इसका मतलब टाइम आपको किस में निकालना है, सेकंड में निकालना है। तो जब टाइम सेकंड में निकालना है तो डिस्टेंस आपका मीटर में होना चाहिए, ये चीज़ है, लेकिन स्पीड जो है वो आपकी किस में होनी चाहिए, वो आपकी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो आप स्पीड को जो है वो पहले चेंज कर लें, स्पीड आपके पास है 60 को यहाँ पे आपने चेंज किया मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे करें, तो स्पीड की जगह आपने भर दिया 60 × 5/18, और डिस्टेंस आपके पास कितना था, 75 मीटर, और टाइम आपको निकालना है। टाइम आप ऊपर ले जाएं और फिर क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। 75 आपका एज इट इज़ है, 60 और 5 ऊपर से आ जाएंगे नीचे, और 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब आप इसकी कटिंग करें, ये कट जाएगा 15 बार, 15 से 60 करेगा, 15 × 60 आपके पास कितना बचा, 18/4, 2 से 9 बार, 2 से 2 बार, और 9 का आधा कितना, 9 का आधा है हमारे पास 4.5, 4.5 हमारा क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ऑप्शन बी 4.5 इसका जो है सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है सिंपल इंटरेस्ट से, फॉर्मूला आप लगाएं, SI इज इक्वल टू PRT/100। तो आपको बोला है 12% आपको रेट दिया गया है, और वार्षिक दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज जो है वो कितना है, 1,080, मतलब ब्याज आपको पास दिया गया है, इंटरेस्ट दिया गया है, और वैल्यू है आपके पास 3,000 रुपये, और 12% के लिए है, और टाइम आपको पूछा है कितने वर्षों में हो जाएगा, मतलब टाइम आपको निकालना है। 100 आएगा नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई आपकी, और इस 1 जीरो से ये 0 कट गई। अब आपके पास क्या बचा, 108, और 3 और 12 कहाँ चले जाएंगे, 3 और 12 चले जाएंगे नीचे, तो ये आ जाएगा 12 × 36। तो 36 से कितनी बार कटता है, ये 36 से कटेगा 3 बार, तो कितने साल चाहिए, 3 साल चाहिए। उस टाइम में आपके 3,000 रुपये के ऊपर 1,080 रुपये जो है वो आपका ब्याज जो है वो बैंक में बन जाएगा 12% की दर से। अगला प्रश्न है, वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाता है, तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। इसके लिए हमारी ट्रिक रहती है, 10% बढ़ाएंगे तो 110 पे पहुंचेंगे, और जब भी कोई भुजा बढ़ाते हैं तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों को ही बढ़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है प्रत्येक भुजा, हर भुजा, क्योंकि दो ही भुजाएं हैं लंबाई और चौड़ाई। तो 110 वो बढ़ा, और नीचे करेंगे 100 से डिवाइड, 2 जीरो से 2 जीरो, और 11 को 11 से गुणा किया, तो आंसर क्या आएगा, 121। जब भी आंसर आपके पास लास्ट में आएगा
उसको 100 से क्या करना है, आपने कंपेयर करना है, क्या ये 100 से ज़्यादा है या कम है। तो 121 जो है वो ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो 21 ज़्यादा है, इसका मतलब 21% की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। लेकिन जब यहाँ पे कोई वैल्यू जैसे अगर हमारे पास 99 आती है, तो 100 से क्या है, वो 100 से कम है, कितना कम है, 1% कम है, तो 1% की कमी होगी। तो उस तरीके से भी कई बार क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जाता है। अंतिम प्रश्न है आपका मैथ के सेक्शन का, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका डाला गया है, और ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, इस चैप्टर को छोड़े नहीं, अगर आपको टेबल जो है वो याद है तो फिर आपका यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा, क्योंकि वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। कोट 45 डिग्री जो है उसकी वैल्यू होती है 1, फिर है माइनस, उसके बाद है 1/√3, और उसके बाद है कोसिकेंट 60, तो कोसिकेंट 60 की वैल्यू होती है आपके पास 2/√3। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एक एज इट इज़ है, 2 को 1 से किया 2, √3 को √3 से किया तो आपके पास बनेगा √3 का स्क्वेयर, स्क्वेयर से रूट कट गया तो बचा गया 3। एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 3 माइनस के 2, तो कितना आ जाएगा, 1/3। तो कौन सा ऑप्शन बना, ऑप्शन डी जो है वो आपका 1/3 आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला जो है वो रीजनिंग का सेक्शन आपके पास रहेगा, जिसमें मेजर 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जैसे सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, कैलेंडर है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, सिंपल से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो इसमें आप गैप को चेक करें, कितना गैप है, 8 और 3 कितने, 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 3 कितने, 20। तो सीरीज आपकी 3-3 की चली है, तो 20 और 3 कितने हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे 23। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से, पोर्टर का कोई कोड दिया गया है, तो यहाँ पे आप चेक करें कि किस टाइप से आप कोड को बना सकते हैं। पी का एक पीछे जाएंगे तो ओ आएगा, O के पीछे N आएगा, T के पीछे आएगा S। तो यहाँ पे तो आपने -1 एक मतलब एक किया आपने पीछे, अब T से आगे क्या आता है, U, E से आगे आता है F, और R के आगे आता है S। इसका मतलब पहले 3 में तो आपने -1 किया, और अगले 3 में आपने क्या किया, +1 किया। तो वैसे ही आपको क्या करना है, WALKER, इसमें पहले 3 में जो है वो आपको एक पीछे करना है, और के ई आर में आपको एक आगे चलना है। तो W से पीछे क्या आएगा, W के पीछे आएगा V, और उसके बाद A के पीछे क्या आएगा, A के पीछे Z, और L के पीछे आएगा K। अब K के आगे चलना है, K के आगे L, E के आगे F, R के आगे S। तो ये हमारा कोड बना, V Z L, यहाँ पे L के पीछे था तो L के पीछे आता है K, L के पीछे हमारे पास आएगा K, VZK LFS। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन ए हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको बोला गया है विषम संख्या आपको चुननी है, ओड बन आउट, मतलब कि इन 4 ऑप्शन में से ऐसी कौन सी संख्या है जो इन ऑप्शन के साथ मैच नहीं करती है। तो जैसे कि 8 है, कोई को कोई आप ट्रिक यहाँ पे यूज़ करें, मेथड आप यूज़ करें, 8 क्या है, ये 2 का क्यूब है, 27 क्या है, ये 3 का क्यूब है, 216 जो है वो 6 का क्यूब है, लेकिन 49 जो है ये 7 का स्क्वायर। इसका मतलब 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, क्यूब की बात कर रहे हैं, और एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, स्क्वायर की बात कर रहे हैं, इसलिए स्क्वायर वाला ऑप्शन जो है हमारा अलग होगा, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। 49 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से है हमारा, क्यू तथा बी क्या है, भाई हैं। तो मैं यहाँ पे डायग्राम लगा हूँ बनाने, बी और क्यू क्या है, भाई हैं, इसका मतलब है मेल है तो प्लस आएगा, क्यू एल का बेटा है, एल का बेटा कौन है, तो एल का बेटा है हमारे पास क्यू, तो ये आ गया एल का बेटा है क्यू, एल का भाई कौन है, तो एल का भाई है जे, ये भाई है, और एन का पुत्र है जे, तो एन यहाँ पे आएगा और एन का बेटा आ गया जे। अब आगे है बी एन से किस प्रकार संबंधित है, एन से आपको बताना है, मतलब ये एन जो है वो इसको क्या बोलेगा, तो ये आप हैं, ये आपका भाई है, ये आपके पापा हैं, और पापा का भाई है ये, और मतलब कि आपके ताया, और ताया के ये पापा हैं,
या फिर मम्मी है, कुछ भी हो सकते हैं। तो मतलब आपके पापा के भी क्या हैं, पापा या मम्मी हैं, तो जो ताया के पापा होंगे वही आपके पापा के पापा हैं। तो आपको क्या बोलेंगे, आपके क्या लगे, आपके वो दादा या दादी लग सकते हैं, तो आपको बोलेंगे क्या वो, क्योंकि एन से बोला गया है, एन ये एन जो है इस बी को क्या बोलेगा, तो आपके दादा या दादी आपको क्या बोलेंगे, पोता या पोती बोल सकते हैं, लेकिन ये बी जो है ये हमें पता है ये मेल है, तो इसके लिए क्या आंसर आएगा, पोता, पोत्र जो है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, शारदा ने दक्षिण दिशा में चढ़ना शुरू किया, डायरेक्शन से रिलेटेड प्रश्न हमारा रहेगा। तो यहाँ पे कोई एक लड़की थी शारदा, उसने दक्षिण दिशा में शुरू किया चलना, कितना चली, 15 मीटर चली, 2 बार, ध्यान में रखना है, 2 बार बाएं घूमी, बाएं का मतलब है लेफ्ट, लेफ्ट घूमी, यहाँ पे नीचे जा रही है तो नीचे का लेफ्ट कौन सा आएगा इसका, ये वाला आ गया, लेफ्ट घूमी, कितना गई, 2 बार 15 गई, फिर से लेफ्ट गई और कितना गई, 15 गई, तो ये हमें यहाँ पे पता चल गया। अब बोला गया है यहाँ से ये चली थी, मतलब कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये यहाँ पे वो खड़ी हो गई, इसका एंडिंग पॉइंट है। अब ये प्रस्थान स्थल से कितनी दूर और किस दिशा में है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, तो नीचे वाला डिस्टेंस 15 है तो ऊपर वाला भी क्या होगा, 15 होगा। अब किस दिशा में है, स्टार्टिंग से आप डायरेक्शन लगाएं कौन सी दिशा बन रही है, तो इस तरफ है हमारा ईस्ट, यानी कि पूर्व दिशा हमारी बन रही है, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो पूरे के पूरे हमने 50 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए आर्मी अग्निवीर जीडी के। आई होप आपका जो आज हमने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं सभी क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही गए हैं। अपने अपने जो आपके स्कोर बोर्ड हैं वो आप ज़रूर शेयर करें कमेंट करके। आप हमारा आर्मी अग्निवीर जीडी का, क्लर्क का, टेक्निकल का ऑनलाइन पेड कोर्स जो है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको जो है वो स्पेशल क्लासेस जो है वो आपको मिलेंगी विदाउट एनी नॉइस, और टू द पॉइंट आपको चीज़ जो है वो उसमें आपको पढ़ाई जाएगी। हर संडे जो है वो आपका, या फिर स्टूडेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो आपका डाउट सेशन जो है वो भी आपका लगाया जाता है। इस मैं आपको जो है वो 150 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, ताकि आपकी तैयारी में जो है वो कोई कमी ना रह पाए। किसी भी ज़रूरत के लिए जो है वो आप vijaypatheducation.com के ऊपर आप विजिट कर सकते हैं, साथ में हमारा हेल्पलाइन नंबर है इसके ऊपर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।